नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं इंडियन पिकअप ट्रक के सामने जिसका नाम है टाटा इंट्रा V30। 2019 में लॉन्च हुआ था और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। आइए अब इंट्रा V30 के कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। टाटा लेने का मेरा रीजन इसलिए था क्योंकि मेरे पहले घर में और भी गाड़ी रही है, वो सारी टाटा की रही है और टाटा पे थोड़ा भरोसा रहा है क्योंकि लोडिंग गाड़ी में अधिकतर टाटा ही मुझे समझ में आती है। तो और ब्रांड नहीं देखे आपने? ब्रांड तो है, लेकिन मुझे इस सेगमेंट में, पिकअप सेगमेंट में ये गाड़ी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसकी पासिंग जो है वो 1 टन 300 kg की पासिंग है। और मैं अगर इसमें ब्रांड तो सर ब्रांड तो मुझे कोई समझ में नहीं आया सर इसके अलावा, क्योंकि मैं और भी ब्रांड देखे थे मैंने, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उन ब्रांडों के, मगर गाड़ी चलाने में टेस्ट ड्राइव लिया मैंने, कम्फर्ट केबिन वगैरह हर चीज़, जैसे कहीं भी हम हाईवे पर रुक भी जाते हैं तो जैसे कभी सोना करना है तो उसमें स्पेस भी काफी अच्छा दिया हुआ है। तो मुझे गाड़ी आपको बिल्कुल V30 क्यों लिया आपने? V30 मैंने इसलिए लिया, मैंने इसका V50 भी देखा था गाड़ी का, मगर V30 मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि V30 में मुझे कंफर्ट वगैरह और इंटीरियर वगैरह गाड़ी का काफी अच्छा, और चलने में स्मूथ, पावर स्टेयरिंग, और गाड़ी लोड पे ओवरलोड भी चलाता हूँ ना तो मुझे कहीं से महसूस नहीं होता कि मेरी गाड़ी में माल लदा है, मतलब इवन मेरा ड्राइवर भी अगर कभी कभार ले जाता है तो वो भी खुश रहता है। और वेरिएंट क्यों नहीं लिया V30 का? V30 में मुझे मेरा जो काम है जैसे कच्चे माल का है थोड़ा काम मेरा, तो मुझे थोड़ा स्पीड चाहिए रहती है, उसके साथ साथ टाइम पे पहुंचना रहता है मुझे, और इंजन के हिसाब से इसमें जो 70 हॉर्स पावर का जो इंजन दिया है तो मुझे इसमें टॉप स्पीड और एवरेज भी काफ़ी अच्छा मिला मुझे। इसका इंजन कैसा लगा आपको? और गाड़ियों के आपने देखी होंगी, चलाई होंगी तो। हाँ, मैं इसके इंजन के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि एक तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके इंजन में आज तक, मतलब मैंने इतना रफ ऑफ रोड जो होता है वहाँ पे भी गाड़ियाँ चलाई खूब इस गाड़ी को लेकर के, तो मुझे कहीं कोई समस्या परेशानी नहीं आई और ना इंजन में कोई इतना काम निकला। मैं फीचर्स कहना चाहूंगा, सबसे अच्छी बात को इसका ड्राइविंग सीट वाला बकेट सीट दिया हुआ है, और बगल में को ड्राइवर है, हालांकि ये 1+1 में ही पासिंग है, बट बीच में ये जो सीट दिया हुआ है जैसे कभी एक आध एक्स्ट्रा बैठना चाहे तो काफी अच्छा इसमें स्पेस दिया हुआ है, केबिन इंटीरियर काफी शानदार है और हाइट भी काफी अच्छी है, मतलब कभी मेरे फादर भी बैठ जाते, थोड़ा मेरे हाइट से लंबे हैं तो उनको चलाने में कंफर्ट लगता है, और बाकी डैशबोर्ड आप देखिए, क्लस्टर मीटर भी बहुत शानदार दिया हुआ है, हर चीज़ इसमें दी हुई है कि भाई मेरी गाड़ी में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो वो मीटर पे इंटीग्रेट करती है, वो बता देती है, तो समय रहते मैं उस चीज़ को सही कर लेता हूँ। तो ड्राइव मोड भी आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत बहुत इसका ड्राइव मोड तो है ही शानदार, प्लस इसका जो स्टेयरिंग पावर है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो दिया हुआ है, बिल्कुल इतना स्मूथ है कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एक लोडिंग गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई सैंड प्रो या कोई कार वगैरह चला रहा हूँ, तो थकान नहीं है, लुक भी अच्छा लगा हुआ है एक नंबर, बिल्कुल शानदार लुक हुआ है इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कभी अगर देहात में निकल जाते हैं गाड़ी लेकर के तो देखता है आदमी कि भाई इतनी शानदार गाड़ी कहाँ से आ रही है। अच्छा, और बिजनेस में आपको इस गाड़ी ने क्या क्या प्रॉफिट दिया? हाँ, बिजनेस में मैं आपसे सही कहूँ तो मैंने अभी तक इस गाड़ी से मैं अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, बट मैं हाथ में जब वो कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे कहीं से नुकसान नहीं है, और आने वाले दिवाली के आसपास भी मैं दूसरी गाड़ी बनाने की एक और सोच रहा हूँ। और आप इस गाड़ी के बारे में और क्या क्या आपको अच्छा लगा आपको और गाड़ियों में नहीं देखने को मिल रहा? जैसे मैं बात करूं जैसे गाड़ी का क्या है, तो मुझे इसका चेसिस फ्रेम बहुत शानदार लगा क्योंकि बम्पर से बम्पर तक पूरा चेसिस फ्रेम है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, और इसमें डाला इसका जरा भी बाहर नहीं निकलता है, तो मैं अगर जैसे ओवरलोड भी करता हूँ तो मेरी गाड़ी चेसिस टूटने का जरा भी डर नहीं है क्योंकि वो बम्पर से बम्पर सिंगल चेसिस दिया है। सबसे अच्छी बात कमानी पट्टे बहुत शानदार हैं इसके, जो टाटा यूज़ करती है कमानी, क्योंकि मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, मैं आज तक कभी इसका एक भी पड़ा नहीं टूटा मेरे से, और पॉपलाइन शाफ्ट बहुत हैवी है इसकी, गाड़ी सेकंडों में स्पीड पकड़ती है, चाहे वो खाली हो चाहे वो लोडेड हो, टायर साइज़ भी ठीक है इसका, टायर साइज़ जो मुझे मिला है इसमें 14/185 का टायर साइज़ भी ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है इसका 170 के आसपास है, और मैं इसको गाड़ी को जैसे कहीं कच्चे रोड पे ले जा रहा हूँ या खेत में भी डालना है तो मुझे कहीं डर नहीं है मेरी गाड़ी का नीचे कहीं टकराए, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी मुझे
ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी है सामने डैशबोर्ड में, एक सिस्टम एसी सब बिल्कुल एसी म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, दूसरा पेन ड्राइव कार्ड डीटा वगैरह में चाहे सब कुछ। और सबसे अच्छी बात, गर्मी में मैं एसी का मजा ले रहा हूँ और सर्दियों में मैं इसका हॉट का भी ले सकता हूँ, दोनों मूड है। लुक भी आपको गाड़ी का पसंद आता होगा क्योंकि एकदम कार जैसा लुक है तो बाकी गाड़ियां सा लग दिखती है। बिल्कुल ठीक है, और कुछ गाड़ी के बारे में एक दो लाइन आप कुछ कहना चाहें? बस टाटा है तो फिर क्या बात है। तो कैसी लगी आपको टाटा इंट्रा V30, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।